Hello all, let's move to another important next generation DNA sequencing, newer next generation, which is also referred as next generation, okay? And this is one of the latest and most efficient method of DNA sequencing, which we are going to learn today. And the method is referred as single molecule real time, SMRT, DNA sequencing, SMRT. Yes, as the name suggests, it's as smart as its pronunciation is. Why? Real time means what? Means with the progress of reaction, detection system is giving you result. मतलब जैसे जैसे यहां DNA सीक्वेंस हो रहा है, जैसे जैसे आपका DNA पॉलीमरेज एक एक न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहा है, वैसे वैसे इमीडिएट आपको उसका पूरा डिटेक्शन मिल रहा है। यहां पे आपको सिग्नल को एम्पलीफाई करने की जरूरत नहीं। अब तक के ऑलमोस्ट सभी DNA सीक्वेंसिंग मेथड्स में आपको जो सिग्नल मिलता है, फ्लोरोसेंस डिटेक्ट करने वाला हो या कोई और, जो हमने लास्ट टाइम देखा था डायरेक्ट चिप में जिसमें हमने डिटेक्शन किया था, उसमें भी आपको सिग्नल को पहले एम्पलीफाई करना पड़ता है और एम्पलीफाइड सिग्नल बाद में कंप्यूटर जनरेटेड सॉफ्टवेयर ओके आपको डिटेक्ट करके देगा। बट यहां पे आपको सिग्नल को एम्पलीफाई करने की जरूरत नहीं। जैसे जैसे आपका न्यूक्लियोटाइड एडिशन शुरू है, वैसे वैसे इमीडिएट उसी वक्त आपको विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड उधर डीएनए सीक्वेंस मिल जाएगा। इसको कहते हैं रियल टाइम। रियल टाइम मतलब जिसमें रिजल्ट इमीडिएट मिलेंगे। इधर जैसे जैसे डीएनए सीक्वेंसिंग शुरू है, वैसे वैसे उधर रिजल्ट मिल रहा है। ओके, मतलब आपको एम्पलीफाई करके बाद में उन सब इसको ये करने की जरूरत नहीं, आपको इमीडिएट मिलते जाएंगे, इमीडिएट। ओके, व्हाई? बिकॉज यहां पे जो डिटेक्शन सिस्टम है दैट इज अ हाईली सेंसिटिव वन। और अगर हाईली सेंसिटिव, इतना हाईली सेंसिटिव डिटेक्शन सिस्टम जो हम लोग अभी देखने वाले हैं उतना नहीं होता, तो कभी भी आपको रियल टाइम ओके डिटेक्शन डीएनए सीक्वेंसिंग वोंट बी पॉसिबल। ओके, नाउ सिंगल मॉलिक्यूल, व्हाई? बिकॉज इन दिस अ सिंगल डीएनए इज सीक्वेंस्ड इन वन सेल, अ सिंगल डीएनए इज सीक्वेंस्ड इन वन वेल। ओके, इसके पहले के हमने मैक्सिमम इसमें देखा, हम लोग पीसीआर करते हैं बीड को अटैच करके। यहां पे आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, अ सिंगल मॉलिक्यूल। पीसीआर हम लोग इसलिए करते ताकि हमको ज्यादा बेहतर सिग्नल मिले, यहां पे उसकी जरूरत नहीं है। ओके, अ सिंगल मॉलिक्यूल इज मोर देन इनफ बिकॉज द डिटेक्शन सिस्टम इज दैट मच सेंसिटिव दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ। ओके, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल रियल टाइम डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड इज SMRT chip. Yes, the SMRT chip. Okay, which looks something like this. This is the SMRT chip, also called SMRT cell, which is made up of aluminium and it contains approximately 10,000 ZMWs. What are these ZMWs? These are nothing but the zero mode waveguides. Okay, and this is a specially designed well for SMRT DNA sequencing. Okay, the whole and soul of the SMRT DNA sequencing is this ZMW. Okay, zero mode waveguide. Why it is called zero mode waveguide? That you yourself will understand after this complete process. It's a nano well. Okay, it's just a nano well. एकदम छोटी सी nano well है. Clear? And its diameter is approximately 70 nanometer, while depth is approximately 100 nanometer. So the diameter is just 70 nanometer and the depth is just 100 nanometer. Okay, this much small. Clear? That well is there, nano well. That's why I am referring it as a nano well, and that is referred as zero mode waveguide. Inside it, only 20 zettoliters. Means 10 to the power minus 21 liter. Okay, only
1 zepto liter means 10 to the power minus 21 liter, and only 20 zepto liters of the volume can be accommodated. So small. This is the smallest detection volume in the world. इससे कम इसमें कोई चीज डिटेक्ट आज तक इस दुनिया में नहीं हुई. 20 जेप्टोलीटर, 10 टू द पावर माइनस 21 लीटर, और इसमें हम लोग डीएनए सीक्वेंसिंग करने वाले. ओके, स्मॉलेस्ट डिटेक्शन वॉल्यूम इन द वर्ल्ड. नाउ दिस वेल्स, एज वी हैव डिस्कस्ड दैट दिस एसएमआरटी सेल, इट लुक्स लाइक दिस एंड इट हैज अप्रोक्सीमेटली सच जेडएमडब्ल्यूज. दीज आर द नैनो वेल्स. Approximately 10,000 ZNWs are there. Okay? Zero mode waveguide. Okay? And now these approximately 10,000 ZNWs are there, and every ZNW, this well, I have shown one well here, okay, is having one DNA polymerase at its bottom, attached at its bottom. Okay? So this is the DNA polymerase which is attached at its bottom. And every well is illuminated from below. So every well is illuminated from below. Okay? Of course, we are going to use fluorescence. So which light you are going to give from the lower side is UV light, because fluorescence can be shown in presence of UV light. So this UV light illumination is there from below. Okay? And now there is a watch DNA polymerase. Correct? Now, what you have is complete genomic DNA. Okay? By the way, why it is, as it is illuminated from below. Okay? नीचे से इसको हम लोग light दे रहे हैं, UV light, and that's why नीचे से illuminate हो रहा है. That's why this ZNW, zero mode waveguide, is also referred as nanophotonic confinement structure. Nanophotonic confinement structure. Same like this. And now, single DNA polymerase, which we have seen just now. The complete genomic DNA. आप किसका सीक्वेंस करना चाहते हो DNA, genomic DNA? Any sheep, okay? Or any type of fungus, or any bacteria, doesn't matter. इस genomic DNA को isolate करने के बाद आपको fragment करना है. We'll fragment it into smaller fragments, okay? इसके पहले के maximum DNA sequence में हमने देखा, हम लोग बहुत ही छोटे 100-200 न्यूक्लियोटाइड्स के या बेस पेयर्स के हम लोग फ्रेगमेंट्स करते हैं. यहां पे आप 10,000 न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब काफी बड़े फ्रेगमेंट्स कर सकते हो. यस, इट्स क्वाइट ओके यूजफुल, बिकॉज द डिटेक्शन सिस्टम इज वेरी पावरफुल, वेरी सेंसिटिव. ओके, 10,000 न्यूक्लियोटाइड के भी आप फ्रेगमेंट्स यूज कर सकते हो. ओके, तो हम लोग ये बड़े बड़े फ्रेगमेंट्स करेंगे एंड देन उनको डीनेचर करेंगे. डीनेचर करने के बाद डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड हो जाएंगे. एंड दीज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स, ओके, इनको हम लोग नॉन ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड, जो हमने अब तक के बाकी के डीएनए सीक्वेंसिंग में भी किया है, नॉन ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड इज अटैच्ड. सो ऑल दीज डीएनए फ्रेगमेंट्स आर देयर व्हिच वी हैव, ओके, एंड वी आर गोइंग टू अटैच अ नॉन ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन फ्रंट ऑफ इट. ओके, नॉन ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड. And now, as this oligonucleotide sequence is well known, we will add primer to it. And these primers, as they are complementary to the oligonucleotide, they will get attached. This will be the 5' and this will be the 3' end. Okay? So definitely, now one thing is very clear, that your DNA polymerase will attach itself here. And it will start reading the sequence of template and it will start adding new nucleotides in on this 3' end. Correct? So primer complementary to yeast is introduced, and all such fragments, of course genomic DNA ko agar hum log break karenge to kitne fragments banenge, aur in sabhi fragments ko hum log release kar dete hain on SMRT chip. Is chip ke upar release kar do in fragments. So I will simply going to release these fragments there. Okay? अरे अगर ऐसे single stranded DNA fragments ऐसे छोड़ दिए ये पूरे, clear? तो कैसे होगा? Don't forget, these are nanowells, and that's why a single DNA
fragment. Most of the time, only a single DNA fragment will enter in this nanowell. Okay? So, ऐसे कितने भी fragment रहेंगे, तो वो एक-एक-एक-एक fragment, एक-एक ही इसमें entry करेंगे. एक ही इसमें दो DNA fragment जाने की chances are almost least. Why? Because the well is nanowell. Okay? Don't forget, DNA is also having width in nanometer. Okay? Now, that's why generally one single standard DNA in one well. So, वो जो single standard DNA का solution है, उसको हम लोग वहाँ पे छोड़ देते हैं इसके ऊपर and अपने आप एक-एक-एक DNA fragment एक-एक-एक well में जाएंगे. Now, DNTPs, of course, well में जाएंगे तो क्या होगा सबको मालूम है. ये कुछ ऐसा picture हो जाएगा हर well के अंदर. ये आपका DNA polymerase है, okay? और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, ये मैंने एक DNA segment दिखाया है, okay? Single standard DNA, जिसमें ये known oligonucleotide sequence is attached. Okay, और यहां एक सीक्वेंस दिया है C T G G A N, इट विल कंटिन्यू. ठीक है, मैंने सिर्फ एक अप्रोक्सीमेटली सीक्वेंस लिया है, ओके, ऑफ अ फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स. एंड ये प्राइमर है जो आपको दिख रहा है ऑफ नोन, क्लियर, इस ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड नोन सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री, जिसका ये 5 डैश एंड है और ये 3 डैश, और प्राइमर उसको अटैच हो चुका है. करेक्ट. नाउ डीएनए पॉलीमरेज इज रेडी, टेम्पलेट इज देयर एंड primary is also attached. अब क्या करना है, अब आपको, क्योंकि of course ऐसे कई fragment सभी इसमें गए जाएंगे, सभी इसमें DNA polymerase है, सभी इसमें primer भी है. अभी simply deoxyribose ATP, GTP, TTP और CTP इन सब का mixed mixture, separately नहीं, separately करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि our detection technique is very sensitive. So simply इन सब का mixture ऊपर से आपको छोड़ देना है धीरे धीरे, ये धीरे धीरे अंदर डिफ्यूज होगी. ओके, चलो डीऑक्सी एटीपी, जीटीपी, टीटीपी और सीटीपी, बट चारों को अलग अलग फ्लोरोसेंस डाई हमने अटैच किया है. ओके, डीऑक्सी एटीपी इज अटैच्ड टू ब्लू फ्लोरोसेंस स्टेन, डीऑक्सी जीटीपी ग्रीन, डीऑक्सी टीटीपी येलो, येलो कलर मार्कर से आपको दिखाई नहीं देगा इसलिए मैंने ब्लैक से लिखा है. ओके, एंड डीऑक्सी सीटीपी रेड. सो फोर डिफरेंट डाइज, fluorescent dyes are attached to four different NTPs, okay, DNTPs. और ये solution अगर मैं ऊपर से छोड़ूंगा, तो what will happen? It will get diffused inside, correct? And these nucleotides are attached to the fluorescent stain, okay? But at the time of addition of a nucleotide, जैसे आपका DNA polymerase एक nucleotide add करेगा, वो उस fluorescent stain को उससे detach कर देगा. और फ्लोरोसेंस स्टेन जैसे डिटैच हुई, इट विल गिव फ्लोरोसेंस, मतलब ये फ्लोरोसेंस तब तक नहीं देंगी जब तक अटैच है, और जैसे ऐड हुआ ये न्यूक्लियोटाइड, फ्लोरोसेंस स्टेन या उसका जो लिंकेज रहेगा वो निकल जाएगा, एंड रिजल्ट ऑफ दिस विल गिव फ्लोरोसेंस. करेक्ट. सो नाउ दिस फ्लोरोसेंस, ओके, इज डिटेक्टेड बाय हाईली सेंसिटिव डिटेक्टर, और जैसे जैसे एक एक न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा, उस टाइप का फ्लोरोसेंस रिलीज होगा, एंड दैट फ्लोरोसेंस इज डिटेक्टेड. ओके, जस्ट लुक एट इट. Okay, first nucleotide is C. अगर C है तो क्या ऐड होगा, यहां पे सभी अवेलेबल है, डीऑक्सी एटीपी, डीऑक्सी जीटीपी, डीऑक्सी टीटीपी, डीऑक्सी सीटीपी, सब अवेलेबल है, लेकिन ऐड क्या होगा, G, एंड G विल बी द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड विच इज एडेड. एज G इज एडेड, ग्रीन फ्लोरोसेंस इज रिलीज, और जैसे ही ग्रीन फ्लोरोसेंस रिलीज हुआ, ओके, G इज रिकॉर्डेड. जी किसमें रिकॉर्ड हुआ, आपके न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड में, इसलिए ओरिजिनल स्ट्रैंड में डेफिनेटली देयर इज सी. करेक्ट. इमीडिएटली आफ्टर दैट नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड इज एडेड, नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड है आपका टी, टी है तो क्या ऐड होगा, ए, ये ए ऐड हुआ, ए इज अटैच टू ब्लू फ्लोरोसेंस, और ब्लू लाइट इसके सामने जाएगा, ब्लू लाइट का फ्लोरोसेंस आया, दैट इज रिकॉर्डेड बाय द रिकॉर्डर, और ब्लू लाइट आने के कारण डेफिनेटली ए इज रिकॉर्डेड. ए कहां, न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड में, तो ओरिजिनल स्ट्रैंड में होगा टी. सिमिलरली नेक्स्ट इज जी, जी तो क्या ऐड होगा, डीऑक्सीराइबोस सी, मतलब सी इज एडेड. करेक्ट. एंड सी इज हैविंग रेड फ्लोरोसेंस, एंड दैट्स व्हाई रेड फ्लोरोसेंस इज गिवन. करेक्ट. एंड सी इज रिकॉर्डेड, और अगर न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड में सी है तो ओरिजिनल स्ट्रैंड में होगा जी.
इस तरीके से दिस कंप्लीट इज रिकॉर्डेड। लेकिन आपको दिख रहा है एक चीज, यहां पे दो जी है, जी उसका फिर से जी, करेक्ट। तो अब हम लोग को ऐसा लग सकता है कि एट अ टाइम दो सी ऐड होंगे क्या? नहीं, ये डिटेक्शन सिस्टम सेंसिटिव, मैंने अभी बताया आपको, जैसे जैसे न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहा है वैसे वैसे उधर रिकॉर्ड हो रहा है, तो इतना फास्ट उसका आउटपुट है कि यहां पे ऐड हुआ वहां पे ऐड हो रहा है। इसीलिए पहला सी ऐड करने के बाद इट विल रिकॉर्ड सी, मतलब ओरिजिनल स्टैंड में जी, इमीडिएटली उसके बाद ही दूसरा सी ऐड होगा और फिर से नेक्स्ट रेड इज काउंटेड एज अ सेपरेट न्यूक्लियोटाइड। ओके, इसके पहले केस में हमने देखा था कि एट अ टाइम डबल फ्लोरेसेंस आया था, करेक्ट। इसके पहले के जो भी हमने फ्लोरेसेंस स्टैंड ये देखे थे डीएनए सीक्वेंसिंग डबल फ्लोरेसेंस, उससे हमने पहचाना था कि इट इज ओके, देयर आर टू जी और टू न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ द सेम टाइप। लेकिन यहां पे हर एक को अलग अलग डिटेक्ट किया जा रहा है, एंड दैट्स व्हाई दो रेड कलर के फ्लोरेसेंस जाएंगे, दो सी काउंट किए जाएंगे, एंड दैट्स व्हाई ओरिजिनल स्टैंडर्ड इज जी। देन यहां ए है, व्हाट इज एडेड इज डीऑक्सीराइबोस टी, और ये टी ऐड होगा तो डेफिनेटली क्या आएगा, येलो फ्लोरेसेंस। टी इज रिकॉर्डेड इन newly synthesized strand, मतलब original strand में होगा आपके ए। इस तरीके से ये इमीडिएट जैसे जैसे एड हो रहा है सी टी जी जी ए, इमीडिएट आपको मिल रहा है, किसी सिग्नल को एम्पलीफाई करने की जरूरत नहीं है, एंड दैट इज बिकॉज जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट हाई सेंसिटिव डिटेक्टर। ओके, एंड दैट्स व्हाई द टेक्निक इज रियल टाइम, जो अभी अभी जो जो हो रहा है वो, ओके, इट इज जस्ट लाइक अ लाइव मैच, हम लोग कोई रिकॉर्ड ही नहीं दे रहे, ओके, इट्स लाइव, करेक्ट, रियल टाइम, सिंगल मॉलिक्यूल, बिकॉज़ इन ईच वेल यू हैव सिंगल मॉलिक्यूल, एंड दैट्स व्हाई द नेम इज एसएमआरटी, एंड दैट्स व्हाई द टेक्निक इज वेरी स्मार्ट। नाउ एवरीवेयर व्हेनेवर वी विल यूज एनी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट यूज करो, उसमें कुछ ना कुछ बैकग्राउंड नॉइस रहता है। बैकग्राउंड नॉइस का मतलब क्या है? नॉइस मतलब सिर्फ साउंड पोल्यूशन ही होना चाहिए ऐसा नहीं है, ओके, कि भाई कुछ नॉइस हो रहा है, कुछ बहुत ज्यादा साउंड हो रहा है, ऐसा नहीं। नॉइस मतलब इट इज ऑफ एनी टाइप, कभी कुछ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट गर्म हो जाते हैं, ओके, फिर वो ठीक से काम नहीं करते, उसको भी हम लोग बैकग्राउंड नॉइस कहते हैं। कभी कुछ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट ठीक से काउंटिंग नहीं करते, उसको भी हम लोग बैकग्राउंड नॉइस कहते हैं। कभी कुछ डिटेक्शन में किसी के सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ जाए, ये सारे अलग अलग टाइप के बैकग्राउंड। लेकिन डोंट फॉरगेट, यहां पे एक वेल में एक डिटेक्टर सिस्टम है हर वेल में, ओके, और हर वेल में जो एक एक डिटेक्टर सिस्टम है उसको एक वक्त सिर्फ एक ही डीएनए को डिटेक्ट करना है, एंड दैट्स व्हाई ओके जो बैकग्राउंड नॉइस है, नॉइस है ना, ठीक है, देखो टाइमी डिटेक्शन वॉल्यूम कितना, डिटेक्शन वॉल्यूम है आपका सिर्फ 21 10^-21 लीटर, मीन 20 zeptoliters, इतने से इसमें डेफिनेटली इसके वजह से क्या होगा, अरे डिटेक्शन सिस्टम बहुत अच्छे से डिटेक्ट कर पाएंगे, दैट्स व्हाई टाइनी डिटेक्शन वॉल्यूम प्रोवाइड्स 1000-fold इंप्रूवमेंट इन रिडक्शन ऑफ बैकग्राउंड नॉइज। सो द बैकग्राउंड नॉइज जो नाम की चीज है, जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की किसी भी प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, ये सब चीजें यहां पर क्लियर गायब हो जाती है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज रियली एसएमआरटी। ओके, SMART is smart, but I can also pronounce it as smart DNA sequencing method. Okay? Please note down all important points in it. Thank you.